नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है? आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। अब क्या बताया शर्मा जी, बेटे ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, नौकरी ये करना नहीं चाहता और मेरी जिंदगी निकल गई दुकान में बैठे बैठे। मैं इसे यहाँ बिठाना नहीं चाहता। ये तो सही कहा आपने, वैसे भी आजकल बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। अब ग्रेजुएशन के बाद भी अगर अच्छा काम नहीं करूंगा तो? अरे तो शादी के लिए अच्छे रिश्ते भी तो नहीं आएंगे। बड़ी परेशानी चल रही है। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तुमने सुना नहीं क्या? सही में नहीं सुना? नहीं अंकल, क्या सुना? नहीं सुना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या भी? इंडिया की नंबर वन दिल्ली वाली कोचिंग क्लास अब हमारे जैसे छोटे शहरों में सेंटर्स खोल रहे हैं और इन्हीं सेंटर्स के लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। अरे सब अप्लाई कर रहे हैं, तुम भी अप्लाई करो अपनी बेटी के लिए। इन्वेस्टमेंट कितना? 10 लाख। उसके अलावा मतलब बाकी सेटअप का खर्चा उर्चा वगैरह सब इसके अंदर हो जाएगा। अच्छा, जगह कितनी चाहिए? और फिर जगह खुद की होनी चाहिए या किराए की चलेगी? 250 से 300 स्क्वायर फीट और कुछ भी चलेगा। और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड? बेटा जिसे भी अच्छा काम करना है और वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन ऐसे मतलब तो बहुत ही आसान है, मतलब कोई स्किल या कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है? ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आदमी अच्छा होना चाहिए। देखो कंपनी सब संभाल लेगी, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, क्लासेस को, उनके क्वेरीज को। आपको बस सेंटर सुपरवाइज करना होगा और एडमिशन संभालने होंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा रिटर्न कितने साल में आएगा? 2-3 साल में। रमेश बाबू घबराइए मत, ये टोटली सेफ बिजनेस है। अरे गुप्ता जी ने भी अपने बेटे के लिए कोल्हापुर में अप्लाई किया है। क्या बात कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे जी। अब बस एक आखिरी बात रमेश बाबू, थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि एक शहर में एक ही सेंटर खुलेगा। बाबा आज ही अप्लाई करते हैं। शर्मा अंकल थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। शर्मा जी आपने हमारी मुश्किल हल कर दी। लेकिन थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुंह तो मीठा करवाइए। क्रैक एकेडमी दिल्ली वाली कोचिंग क्लास अब आपके शहर में।